हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 66 यानी 2020 का जो आने वाले नोटिफिकेशन है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर साल बीपीएससी में देखा जाता है कि 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि जो डिटेल एनालिसिस होना चाहिए बीपीएससी के सिलेबस के बारे में वो कैसा होना चाहिए। तो दरअसल इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरह से सिलेबस को कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है आपको और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यहाँ पे आप इस पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एग्ज़ाम है ये बीपीएससी का 3 चरणों में होता है और पहला चरण है आपका प्री यानी मुख्य प्रारंभिक परीक्षा। सबसे पहले हमें एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद से आपका आता है मेंस यानी पहले प्री और उसके बाद मेंस। अगर आप प्री में क्वालिफाई करते हैं देयर आफ्टर आपको मेंस के लिए एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है। उसके बाद से अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये हमारा एक शॉर्ट में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है बीपीएससी का। और इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा प्री का जो सिलेबस है वो आपको इस प्रकार है। कुछ सिलेबस जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्री में आपको जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इसका नंबर होता है वो 150 नंबर का होता है। और इसमें जो टाइम दिया जाता है टोटल 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसमें लगभग 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और इस एग्ज़ाम में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता है यानी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जितने यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं उतने ही आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद से आइए आगे देखते हैं कि जो हमारा प्री का जो सिलेबस होता है यानी अगर हम कुछ साल से अगर देखें, अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो लगभग 4 से 5 साल से एनालिसिस किया जा रहा है कि जो हमारा प्री का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको टोटल इससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि उसी के सब्जेक्ट के प्रायोरिटी के अनुसार आप अपना स्टडी करें। और इससे क्या होगा कि आपको कम समय में तैयारी करके एक अच्छा खासा मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो इसलिए आपको ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो करेंट अफेयर के हर साल लगभग 30 से 33 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम में। इसके बाद से हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से 10 से 13 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से 10 से 15, बिहार जीके से 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं। वहीं साइंस से बात करें तो साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मैथ से हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक टेबल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस टेबल को आपको ध्यान से रखना है ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करें पढ़ना है। इसके बाद से आइए हम आगे कुछ देखते हैं। प्री का सिलेबस जैसे कि आपने देखा कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट क्या है, जनरल स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये हमारा यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे सामान्य विज्ञान दिया गया है यानी जनरल साइंस। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साइंस के आपको NCERT क्लास सिक्स से लेकर आपको क्लास टेंथ तक के जो NCERT बुक होते हैं उससे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है।
इसके बाद से यहाँ पे सेकेंड नंबर में है आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटनाएं, यानी इसमें आपको करेंट अफेयर पूछे जाते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर होते हैं, और इसके साथ साथ बिहार के भी करेंट अफेयर इसमें देखने को मिलते हैं। थर्ड है हमारा भारत का इतिहास और विशेष रूप से बिहार का इतिहास। तो इसमें हिस्ट्री में अधिकतर क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 75% क्वेश्चन होते हैं और 25% क्वेश्चन एंशियंट और मेडिवेल से होते हैं, और उसी में आपको बिहार के हिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको दोनों पे यहाँ पे फोकस करके पढ़ाई करना है, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। इसके बाद से हमारा आता है सामान्य भूगोल और विशेष रूप से बिहार का प्राकृतिक भूगोल। तो इसमें सामान्य भूगोल यानी भारत का जो भूगोल है उसके साथ साथ आपका बिहार का भूगोल पे भी आपको एक अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद से आता है आपको भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी और भारत की आर्थिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें आपको ये सारे सब्जेक्ट यानी पॉलिटी से पढ़ना है। इसके बाद से आता है बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए, यानी इंडिपेंडेंस के बाद आपको अर्थव्यवस्था जो बिहार की इकोनॉमिक है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान है। तो जो भी भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसमें आपको बिहार के जो भी नेता हुए हैं उनका क्या योगदान हुआ है हमारी आज़ादी में, तो ये सारे क्वेश्चन भी आपसे देखने को मिलते हैं बिहार के बीपीएससी और मेंस के एग्ज़ाम में। इसके बाद से आपका सामान्य योग्यता को जांच करने वाले प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपके प्री का जो सिलेबस है ये आपको प्री में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद से आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मेंस का सिलेबस है। मेंस के सिलेबस पे हम लोग देखें तो मेंस में आपको ये सारे आपको सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट दिया है, मार्क्स दिया है और टाइमिंग दिया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। हिंदी का जो पेपर होता है इसमें आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है। और यहाँ पे हिंदी जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ क्वालिफाई सब्जेक्ट है, यानी इसमें मिनिमम 30% आपको लाना होते हैं सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, और इसका जो मार्क्स होता है ये आपके मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाते हैं। इसके बाद से आता है आपका जीएस पेपर वन 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। जीएस पेपर टू ये भी आपको 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें 3 घंटे का समय मिलता है। और एक लास्ट होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि हम लोग बाद में देखेंगे इसी वीडियो में कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं और उसका सिलेबस क्या है। तो ये भी 300 का नंबर का मार्क्स का होता है और इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। और इसके बाद से अगर हम लोग जो मेंस का सिलेबस देखें तो मेंस के सिलेबस में हम लोगों ने देखा था अभी कि हिंदी का पूछा जाता है जो कि आपका क्वालिफाइंग रहता है। तो हिंदी में ये एक सेक्शन है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें निबंध जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, व्याकरण 30 मार्क्स का होता है और वाक्य विन्यास ये आपको 25 अंक के होते हैं और ये संक्षेपण 15 नंबर के। तो ये एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आपको जो भी माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के क्वेश्चन होते हैं इसमें दिया गया है स्पष्ट। ये आपके बीपीएससी का ऑफिशियल जो सिलेबस का दिया गया है पीडीएफ वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं कि जो सामान्य अध्ययन है यानी जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू उसका सिलेबस क्या है। तो जीएस पेपर वन का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है कि इसमें जीएस पेपर वन में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है हमारा भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, दूसरा है हमारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी इंटरनेशनल नेशनल और इंटरनेशनल जो भी आपका रिलेशन रहता है और उसका घटना चक्र से क्वेश्चन होता है, और तीसरा सब्जेक्ट है सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन तथा चित्रण। तो ये आपका जीएस पेपर वन का सिलेबस है। इतना आपको
पेपर वन का जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको देखने को मिलेगा, और इससे कंबाइन आपको 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद से आता है हमारा जीएस पेपर टू। जीएस पेपर टू में ये सब्जेक्ट है, और पहला सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो ये आपको तीन सब्जेक्ट है, और यहाँ पे दिया गया है जो जो पेपर वन है उसमें आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। तो इससे आपको विशेष फोकस करना है, जो कि मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल तथा पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण रिपुनन से संबंधित विषयों से सांख्यिकीय आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते कुछ निष्कर्ष निकालना और उससे पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे जीएस पेपर वन में पूछने की जो संभावनाएं हैं, और इसी जो फील्ड है इसी एरिया के अंतर्गत क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस जो पेपर का फर्स्ट दिया है इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है स्टडी करते समय। और उसी तरह हमारा पेपर सेकंड के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखें तो आगे यहाँ पे दिया है कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि वैकल्पिक पेपर यानी ऑप्शनल पेपर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शनल पेपर जो होता है वो किसी भी उम्मीदवार को किसी एक विषय का चुनाव करना होता है, यानी कोई इसमें से जो 34 ऑप्शनल पेपर होते हैं और 34 ऑप्शनल पेपर में से आपको कोई भी एक पेपर चूज करना रहता है, और उसमें आपको 300 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम होता है और 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शनल दिख रहे हैं इसमें से कोई ऑप्शनल आप एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ऑप्शनल पेपर में अपना ग्रेजुएशन किए हो, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किए हो, लेकिन कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वाणिज्य, लेखाकार, कानून, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके बाद से और भी आगे यहाँ पे दिया गया है, ये भी सारे आपको 18 से लेकर 26 तक ले ये भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिस्ट हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद से अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य और मैथिली भाषा और साहित्य, ये सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और इसके बाद से यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं कि जो प्रश्न है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहता है। और इसके बाद से जो उत्तर लिखने जो छूट है इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी एक भाषा में जो प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हैं। इसके बाद से जो प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्दों या वाक्यांश या आदि के कोई है विवरण उनके चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतर दे सकते हैं। तो ये सारे आपके पॉइंट लिखे गए हैं, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद से कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है मुख्य परीक्षा में।
इसके बाद से भाग थ्री में देखें तो इसमें आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपके कैसे क्वेश्चन होते हैं ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं रहता है, लेकिन इसमें पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है। और ये आपका जो इंटरव्यू होता है वो 120 नंबर का होता है। और अगर हम लोग मेंस का देखें तो मेंस का जो हमारा टोटल मार्क्स था वो था आपका 900, और उसके बाद से 120 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हुए। तो टोटल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो 1020 मार्क्स का होता है, और इसी मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और प्री का मार्क्स आपको मेरिट बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ मेंस में बैठने के लिए काउंट किया जाता है, यानी सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है प्री के एग्ज़ाम में। और यहाँ पे आप सब कुछ देख चुके हैं, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और सिलेबस का जो भी बीपीएससी का सिलेबस के बारे में आपको डाउट है वो आज के इस वीडियो देखने के बाद से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कोई एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम को 3 महीने में आपका क्रैक कर सकते हैं, और हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और कौन कौन से बुक्स को पढ़कर हम बीपीएससी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।